वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो कि 29 मार्च 2020 को होने वाला है, जो कि 2019 में फॉर्म निकला था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देने वाला हूँ। साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग टिप्स और सिविल इंजीनियरिंग बुक्स का व्यू इस चैनल पर मिलता रहता है आपको, और साथ ही कुछ नए अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। आज जो बुक लेकर आए हैं रिव्यू के लिए, वो 2019 और 2018 में जो पेपर हुए हैं, 2017 और 2018 के, टोटल 15 सेट है। एसएससी जेई का एक पेपर 200 क्वेश्चनों का होता है, 100 टेक्निकल 100 नॉन टेक का होता है। टोटल 15 सेट का रिव्यू है, मतलब कि लगभग 3000 टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसमें डिटेल आपको मिलने वाली है। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ कंप्यूटर टाइम्स में। अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है, या हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से मिल जाएगा, नहीं तो अमेजोन से भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये बुक मंगाना चाहते हैं तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजो के लिंक पर क्लिक करके वहां से बुक मंगा सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर ऑर्डर करने के लिए आपको इस बुक का स्क्रीनशॉट भेजना होगा, साथ ही साथ एड्रेस भेजना होगा, बुक आपको डिलीवर कर दी जाएगी। इसमें टोटल 3000 क्वेश्चन यानी 15 सेट के क्वेश्चन भी लेंगे, 1500 टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, लगभग 750 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे और 750 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। लैंग्वेज जो रहेगी इंग्लिश लैंग्वेज यूज की गई है, तो ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर आती है तो उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज जरूर आती है। एग्जाम में दो लैंग्वेज में पेपर आता है, एक इंग्लिश, एक जो आप चूज करेंगे, तो दोनों लैंग्वेज में रहेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों इंग्लिश में रहेगी। तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप ले सकते हैं, किसी भी जोन से हो तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें दिखा दूँ, मैं ऑथर दिखा दे रहा हूँ, रोहित कुमार सिंह जी हैं जो बीटेक ऑनर्स हैं, और शाश्वत श्रीवास्तव हैं जो बीटेक ऑनर्स हैं, ठीक है। इन्होंने ये बुक को मॉडिफाई किया है, जितने भी सोल्यूशन निकाले गए उसको देखा है। जो सोल्यूशंस मिलेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से मिलेंगे। सबसे पहले एसएससी जेई का सिलेबस दिया है, वो अभी आपको बता दे रहा हूँ। साथ ही साथ एसएससी जेई जो 2019 में तीन पेपर हुए हैं, 22-23 सितंबर 2019, 25 तारीख को एक पेपर हुआ था और 23 तारीख को दो पेपर हुआ था। इसके अलावा 22 जनवरी 2018 को दो सेट, 23 जनवरी को दो सेट, 24 जनवरी को दो सेट, 25 जनवरी को दो सेट, 27 जनवरी को दो सेट, 28 जनवरी को दो सेट, टोटल 12 सेट ये हो गए और 3 सेट ये, यानी टोटल 15 सेट 2018 लास्ट 2 ईयर्स के पेपर इसमें आपको एसएससी जेई के सिविल इंजीनियरिंग शॉर्ट पेपर मिल जाएंगे। अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो वो भी जल्दी बुक अपडेट कर दी जाएगी, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। एसएससी जेई दो पेपर करवाता है, दो पेपर सेट करवाते हैं, पहला 200 नंबर का होता है, दूसरा 300 नंबर का होता है। 200 नंबर के पेपर में 100 नंबर टेक्निकल का होता है आपका, 100 नंबर नॉन टेक होता है, जिसमें 50 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है और 50 नंबर का जीएस पूछे जाते हैं। और जो सेकेंड पेपर है तो 360 नंबर का होता है, जिसमें 300 नंबर करना होता है, वो भी 2 घंटे का होता है। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, इंडक्टिव सिलेबस है। पार्ट वन में आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी, पार्ट जनरल अवेयरनेस, जनरल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आएगा। अगर सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखा जाए तो इसमें बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरीगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, ये आपके सिलेबस हो गए। यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पेपर ये है, 23 सितंबर 2019 का पेपर है, जो एसएससी जेई करवाता है, जो CPWD, CWC, MES, ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं। टेक्निकल पेपर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजिड मटेरियल्स व्हेन चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल। तो इसमें होता है ये सीमेंट कंक्रीट में होता है, तो आंसर क्या है, ए है। क्यों आंसर है, इसकी डिटेल सोल्यूशन भी दिया गया है। इन टाइम प्रूफिंग ऑफ फाउंडेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन द वॉल एंड आल्सो इन ग्राउंड फ्लोर। जो मटेरियल यूज्ड फॉर डैम प्रूफिंग, फ्लेक्सिबल मटेरियल में क्या यूज होता है आपका, हार्ड बिटुमिन, बिटुमिनस फेल्ट, प्लास्टिक सीट, मेटल सीट, लेड, कॉपर, ये आपके फ्लेक्सिबल मटेरियल है। सेमी रिजिड में क्या आपका यूज होता है, द मटेरियल्स लाइक मैस्टिक एसफाल्ट एंड अदर कॉम्बिनेशन ऑफ इम्परवियस मटेरियल्स। रिजिड मटेरियल में इट इज इम्परवियस ब्रिक, स्टोन, स्लेट, सीमेंट कंक्रीट और सीमेंट मोर्टार पॉइंटेड विद बिटुमिन। सीमेंट कंक्रीट लेयर ऑफ 1-4 मिक्स विथ वाटर प्रूफिंग एजेंट इज यूज टू PPC विच डज नॉट
परमिट राइज टू ऑफ वाटर बाई कैपिलरी एक्शन बट अलाउज वाटर टू पास थ्रू द क्रैक्स विच अकर्स इन द लेयर ड्यू टू सिंकरेज आर माइनर सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन की सारी डिटेल भी दी गई है, जहाँ पे जरूरत पड़ी वहाँ फार्मूले यूज किए गए हैं, जहाँ एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी वहाँ फिगर्स भी दिखाए, क्वेश्चन में फिगर्स भी दिखाए गए हैं, कॉलम्स दिए गए हैं, एक्स्ट्रा डाटा जहाँ यूज हुआ है वो भी सारी बुक्स में दिखाया गया है। 100 नंबर ये आपके टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो। इसके बाद यहाँ से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट होते थे। इन जनवरी 2019 350 कॉमरेटिव कॉइन वाज इश्यूड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, तो ये गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन सही होगा। 13 जनवरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज ए कॉमरेटिव कॉइन ऑफ ₹350 ऑन गुरु गोविंद सिंह इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे डिटेल देखिए, यहाँ पे डिटेल दी गई, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी सारी डिटेल आपको तुरंत मिल जाएगी। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ पे रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक ज़्यादा मेजर टॉपिक होता है, क्योंकि SSC जे में सबसे अगर आसान माना जाए तो रीजनिंग आती है। जो SSC जे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग सबसे सरल आती है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो वो 40+ के ऊपर ही अटेम्प्ट करते हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो 45+ के ऊपर जाते हैं। यहाँ तक लड़कों को 49-49 नंबर तक रीजनिंग में पाए हैं इन्होंने, जो टॉपर्स हुए हैं उनके 48-49 नंबर आ चुके हैं, जैसा कि हम कई बार इंटरव्यू में दिखा चुके हैं आपको हमारे चैनल पर। तो ये आपके टेक्निक रीजनिंग हो गए। जैसे ही रीजनिंग समाप्त होती है वैसे ही आपका 23 सितंबर का सेकेंड पेपर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी, फिगर्स वगैरह दिखाए गए हैं आंसर की में। तो ये ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि फिगर से हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो लगभग 15 सेट के 3000 क्वेश्चन हैं, 2 या 3 बार लगा लेते हैं तो 7-8, 9-8, 6-9 हज़ार क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो इतना इनफ है कि उस एग्ज़ाम की स्टेपना पाने के लिए, कि उस एग्ज़ाम में किस प्रकार तैयारी करके बैठनी चाहिए उसके लिए आप लास्ट टू ईयर के क्वेश्चन लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वीडियो की जैसी भी लगी हो आपको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा कि कैसी वीडियो लगी। अगर आप किसी और बुक का रिव्यू चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके लिख के बाद बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।